नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास मध्यावधि पाठ्यक्रम। ठीक, मध्यावधि मतलब कि मिड टर्म को आपके कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले सत्र 2020-21 कक्षा 9वीं विषय गणित, गणित में कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे मिड टर्म में। ठीक है, जिन जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता वो ये जरूर वीडियो देखें। कई बार क्या होता है, वो बहुत मेहनत तो कर रहे होते हैं, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना वो उस चैप्टर को ही पढ़ रहे होते हैं मिड टर्म में। फाइनल टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले है अध्याय एक वास्तविक संख्या है और मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, और इसकी जो पीडीएफ है ना मैं आपको टेलीग्राम पर जल्द ही जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो हिंदी मीडियम वाले के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए दोनों के लिए पीडीएफ मैं जल्दी ही टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अध्याय एक आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर अध्याय दो बहुपद, ठीक है, अध्याय तीन निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय छः रैखिक रेखाएं और कोण, अध्याय 11, ठीक है, अध्याय 15। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर हो गए, आपके चैप्टर आपको एक, चैप्टर दो, फिर चैप्टर तीन, फिर चैप्टर 6, फिर चैप्टर आपका 11 और चैप्टर 15, बस आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं मिड टर्म के लिए। मध्यावधि पाठ्यक्रम को बस यही चैप्टर पढ़ना है। ठीक, इससे मैं आपकी और मदद कर पाऊँ तो मैंने आपके लिए जो आपके सपोर्ट मटेरियल है उसको भी देख रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चैप्टर एक संख्या पद्धति वर्कशीट 1 से लेकर 6 तक आपको मिल जाएगी आसानी से, और बहुपद जो है वर्कशीट 7 से 14 तक है। ठीक है, फिर अध्याय ये वाला हो गया आपका, पेंसिल से निशान लगा लेता हूँ आपकी बार। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर और ये चैप्टर, ठीक है, बहुपद यहाँ पे भी निशान लगे और यहाँ वर्कशीट का निशान है। तीसरा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, और खास बात यह है कि निर्देशांक ज्यामिति कोई एक भी वर्कशीट नहीं है। मैंने कई बार इसी सर्च खोज रहा था निर्देशांक ज्यामिति कोई वर्कशीट है कि नहीं है, इसको भी वर्कशीट नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट मटेरियल की मदद से आप इसी चैप्टर को भी कवर करा सकते हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दूँ। तीसरा हो गया अध्याय 6, अध्याय 6 ये आपको करना है, अध्याय 6 प्रश्न नंबर 85 मिल जाएगा, रेखाएं और कोण, वर्कशीट 19 से स्टार्ट है, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। फिर अध्याय 11, अध्याय 11 में क्या है आपका, रचना है। ठीक है, अध्याय 11 करना है, रचना है, जो वर्कशीट आपकी है 61 से शुरू है, वर्कशीट 61 से स्टार्ट है। फिर अध्याय 15, अध्याय 15 में क्या है आपकी, प्रायिकता, जो वर्कशीट आपकी 32 से शुरू हुई है। ठीक है, ये पेज नंबर 229 में मिल जाएगा, 229 में मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण और परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर रूप में समीक्षा, परिमेय संख्या आवर्ती या शांत, अनावर्ती, अनावासी, ठीक है, उदाहरण के तौर पर, और ये जरूर कर लेना हर बार पेपर में आता है, √2 √3 तथा उनका संख्या रेखा पर निरूपण। तो संख्या रेखा पर √2 √3 को दिखाना हर बार पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। आपका √5 भी कई बार आपका आ जजाता है, लेकिन अब की बार इन्होंने कह रखा है √2 √3, तो मैं जल्दी जल्दी मैं इसी के अनुसार चलूंगा ताकि आपके जल्दी जल्दी दो चार दिन जो बचे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं। उसके बाद आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जो मैंने प्रमेयकरण टाइप में कराए थे आपके, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। अगर मैं इस प्रकार क्वेश्चन दिखाऊं आपको तो आप सपोर्ट मटेरियल पेज नंबर अगर 22 खोलेंगे इस अब की बार का, तो यहाँ देखो इस प्रकार क्वेश्चन आपको इस प्रकार सॉल्व करने होंगे, जो मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले भी इससे पहले जो मैंने वर्कशीट कराई थी, वर्कशीट कह रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, तो उसमें एक प्रकार क्वेश्चन इसी प्रकार से था लेकिन दूसरे प्रकार से, ए का मान, बी का मान, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये वाला भी एक बार कर लेना। और इस ठीक है, इस चैप्टर तो है ही, मैं बता ही रहा हूँ, वर्कशीट 86 सॉरी क्वेश्चन 86, ए का मान इतना है तो -6/a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे यहाँ पे, और वास्तविक संख्याओं तथा परिमेयीकरण, ठीक है, सटीक अर्थ के साथ तथा जहाँ एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या तथा ए और बी पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, और इसी को ध्यान रखते हुए मैंने जो परिमेयकरण कराया था और बच्चों के लिए आता था, अच्छी बात है, जिन्हें आता है उन्हें और आगे का लगाना चाहिए, जिनको नहीं आता उनके लिए काफ़ी मदद मिलेगी। फिर इसके बाद बहुपद है, जो बहुपद है हमारी, जो वर्कशीट स्टार्ट हुई है बहुपद की, मैं बता दूं आपको, मैं इधर देखता रहता हूं बार बार नहीं, वर्कशीट 7 से एक चर वाले बहुपद की परिभाषा, उदाहरण और काउंटर उदाहरण, ठीक है, बहुपद के गुणांक, पद तथा शून्यक, बहुपद की घात, चर रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद, घातीय बहुपद, ठीक है, और आपका जो ये है ना
सपोर्ट मटेरियल जो मिल रखा है वो वहाँ से आप देखेंगे आसानी से मिल जाएगा आपका, जो बहुपद है ठीक है सर, समीकरण इसी के अंदर सर समीकरण आ जाएंगी, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल क्यूब था, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद जिसमें दो घात होते हैं, रैखिक जिसमें कोई एक घात होती है, त्रिघाती बहुपद, और यहाँ पे घात पाँच सबसे अधिक होती है, तो मतलब कोई चार पाँच घात की कोई विशेष नाम नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला बच्चों जरूर कर लेना, और मैंने बहुत ही कई बार करा रखा है, जैसे ही मैं रिवीजन कराऊंगा उसमें बता दूंगा आपका एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो, और जो इसके बाद है तथा त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंड बीज गणितीय व्यंजक तथा सरसमीकरण का पुनरावलोकन सरसमीकरण, ठीक है, या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस या प्लस माइनस दोनों है आपका, ये वाला भी याद करना पड़े, ये वाला मोस्टली आपको जो वर्कशीट में कराई गई है, ठीक है, मैं आपको देखो वर्कशीट 12 से मैं बता रहा हूँ, वर्कशीट 12 में देखो इस पर क्वेश्चन है आपको, ठीक है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में आपको प्रैक्टिस कराई गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्यूब वाला भी दिया गया है, ठीक है, अगर आप ये बहुपद में ये देखेंगे आपको सारे इसके फॉर्मूले जो हैं, जो मोस्टली आपको शायद दिक्कत करेगा, लेकिन फॉर्मूले आप अगर वर्कशीट खोलेंगे सपोर्ट मटेरियल खोलेंगे पेज नंबर 33 पे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको मोस्टली फोकस करना है पाँचवें छठे सातवें आठवें और नौवें इस वाले पे, इस प्रकार के जो टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मिड टर्म के बाद बता रहा हूँ मैं, तथा सत्यापन तथा बहुपद के गुणनखंड में इसका उपयोग कीजिए, ठीक है, जो कि मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए था आपका, एक जैसा अगर मैं इसे एग्जांपल बताऊं तो अगर पेज नंबर आप 39 पे देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, इसको सरल कीजिए, ठीक है, खंड द 125 एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब माइनस जेड की पावर जेड क्यूब माइनस 30 एक्स वाई जेड, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, इसको सॉल्व करने होंगे, इस सरसमीका अगर आपको याद होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, देख रहे हो घात 3 वाला ज़्यादा है आपका, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना होगा। और आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति के लिए। अब देखो अगर मैं पेज पलट के दिखाऊं निर्देशांक ज्यामिति के लिए, ठीक है, वर्कशीट तो इसकी आई नहीं है, लेकिन फिर भी आप पेज नंबर 59 पे जाएंगे तो अभ्यास परीक्षा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इंपॉर्टेंट 20 नंबर के आपके यहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं और लगभग इसी में से आपका आएगा, ठीक है, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं भी ये भी चाहता हूँ, रेखाएं और कोण, ठीक है, रेखाएं और कोण में आप क्या आएगा इसके अंदर देखते हैं एक बार, अभिप्रेरणा, ठीक है, और आपको पता होगा यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस पर प्रकार बने दोनों आसन्न कोण का योग 180 होता है, ठीक है, जो एक सीधी सी लाइन है, अगर इस प्रकार से कोण बने हैं तो दोनों कोण जो मिलके होते हैं वो 180 बनाएंगे आपको, और सिद्ध करने वाला है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, एक रेखा दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो ये बताना ये लाइन इसके बराबर होगी, ये कोण इस कोण के बराबर, सॉरी लाइन कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अभिप्रेरणा इसे याद कर लेना, जब एक त्रिज्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण एकांतर कोण अंतः कोण बराबर होते हैं, यही वाला ना, जो दो लाइन बराबर होती हैं तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, ये दोनों मिलकर 180 बनाते हैं, इस चीज को याद करके रखना क्योंकि सिद्ध करने में काम आते हैं। अभिप्रेरणा वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर कहलाती हैं, ठीक है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समानांतर कहलाती हैं आपका। और इसके बाद देखो सिद्ध करने वाला, वही यही मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट आपका पांच नंबर सिद्ध करना, किसी त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 होता है, तो मैंने हाँ कई बच्चों ने मैंने ये जब सवाल करा था कई बच्चों के बहुत ही सिंपल, अच्छी बात है जिसको आता है सिंपल है, अच्छी बात है जिसको नहीं आता वो एक बार जरूर देख लेगा, ठीक है, ये आपका जरूर आएगा, बच्चे तीसरा याद करके जा रहे हैं दूसरा तीसरा, लेकिन आएगा आपका इस प्रकार से। मिड टर्म का बता रहा हूँ मैं, यदि किसी त्रिभुज की अभिप्रेरणा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो, ठीक है, कोई त्रिभुज होता है अगर इसकी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार का बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख कोणों का योग के बराबर हो, जिस प्रकार बढ़ाते तो ये को जो कोण है इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है, आपको पता ही अभिप्रेरणा है, सिद्ध नहीं करना है अभिप्रेरणा, इस चीज़ को याद करना है ताकि दूसरी चीज़ें आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, पेज नंबर 92 पे देख लीजिएगा, पेज नंबर 92 पे इस प्रकार ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे एक त्रिभुज बना रखा है, ठीक है, और ये कोण, अब ये इसका ये बताना, चलो ये तो हम आसानी से बता देंगे इस वाले में, ठीक है, इस आसानी से बता लेंगे, लेकिन मैं अब आपको आता हूँ यहाँ पे कोण ये रहा चित्र, ठीक है, 33 पे ये कोण बताना है अब आपको,
ठीक है। अब ये आप तभी बता पाएंगे जैसे आपको पता होगा ये जो ये बाहर का कोड है इन दोनों कोडों का योग के बराबर होगा, 2x प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 70, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 110 आएगा, जहां से आप 110 का मान सॉरी x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, 33वां एक बार जरूर कर लीजिएगा और ये 21वां भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे समझा पा रहा हूँ मैं। और आते हैं रचनाओं पर, रचनाएं और स्टार्टिंग में देख लीजिएगा कौन सी चीज़ है, कौन से वर्कशीट है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बता दिया था रेखाखंड का समद्विभाजक जिस खींचना है इसका समद्विभाजक 60 का, 90 का, 45 का, और हमने ये करना सीख लिया था। आपकी वर्कशीट कहाँ से आई थी, ये आपकी 61 से। और किसी भी कोण का समद्विभाजक करने के लिए वो पहले कोण बनाएंगे आप, ठीक है, यहाँ से एक चाप काटेंगे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों काट देंगे, लाइन खींच देंगे, अगर 60 का तो ये 30 और ये 30 का बन जाएगा, इस प्रकार से 90 बनाना है। रचना तथा समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है आपको, तीनों त्रिभुज की रचना जब आधार दो भुजाओं आसन या अंतर के आधार पर हो, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, मैं आपको वर्कशीट में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। वर्कशीट में देखो रचनाएं थी ये बनाने वाले, इस प्रकार क्वेश्चन को देख लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये वर्कशीट कौन सी है, 61, ठीक है, 62, 63 और 64 दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, ये 61 की है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, इस प्रकार क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और ये रहा नीचे दिए गए कोड की रचना कीजिए, 15, 30, 75 और 120, वही है समद्विभाजित करना, यह 30 का आधा, ये 60 का आधा, ठीक है, ये 75 आधा नहीं करे, 75 बनाना ही पड़ेगा, और 120 का, ठीक है, 60 120 का बन जाएगा आपका। और रचना में ये वाला था कि दोनों भुजाओं को योग करके था और एक माइनस करके वाला, अगले क्वेश्चन में आपको माइनस करने वाला, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देना, और मैंने काफ़ी अच्छे से बताई थी। और ये देखिए एनसीईआरटी प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और ठीक है 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से भी आएगा, इसे भी देख लेगा। और प्रश्नावली 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और ठीक है क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये 5 है, बिल्कुल वही है, मैंने एनसीईआरटी से देख के उस टाइम भी बताया था, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अरे यार ये कहाँ चलेगा, अरे भाई साहब आप आइए ना, ठीक है ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कौन से क्वेश्चन आपको करना ही है, ठीक है। आप तो मोस्टली वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और हिंदी माध्यम बच्चों के लिए मैंने बनाया है, तो लास्ट में कोई और चीज़ बता दूंगा मैं, ठीक है। ये आपके रचनाएं होंगे। अब पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में घन, घनाप, गोला, अर्धगोला सहित, ठीक है, अर्धगोला का भी कर लेना, लंबवृत्त, बेलन, शंकु तथा पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन, ये आप मोस्टली जो आपके वर्कशीट में क्वेश्चन कराए गए हैं वो कर ले, तब भी आपका काम हो जाएगा। प्रायिकता, प्रायिकता तो कितने अच्छे चैप्टर में रखे थे, इसकी पुनरावृत्ति भी चली थी, ठीक है। इतिहास, प्रायिकता के लिए पुनरावृत्ति प्रयोग एवं निरीक्षण वारंवारता का दृष्टिकोण करना है आपका, ठीक है, तो ये आप कर ही लेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें मैंने अच्छे समझाई है, अगर आप इसे कहेंगे तो इसका मैं, ठीक है, हिंदी माध्यम बच्चों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश माध्यम बच्चों के लिए तो मिल ही जा रहा है, सब कुछ ईजिली मिल ही जा रहा है। नौवीं कक्षा के लिए जो गणित का है, विज्ञान का कहोगे, इसी प्रकार मैं विज्ञान का मैं प्रिंट आउट निकाल के आपको समझाऊंगा, ठीक है। और SST का भी हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश तो आपको आसानी से मिली जाएगी, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर हिंदी माध्यम बच्चों के लिए, इंग्लिश माध्यम बच्चों के लिए, दोनों के लिए, अगर इसमें से कुछ भी आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, अगर कुछ छोड़ गया हो तो तभी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आने वाले वीडियो में इसे कवर कर पाऊँ। मैं इसे भी सी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।